जिंदगी कितनी तेजी से भाग रही है ना। ऐसे में लगता है कि भाई कुछ ऐसे काम इंस्टेंटली हो जाएं जिनमें लगता है थोड़ा समय तो कितना अच्छा हो। जैसे कि खाना भी अगर इंस्टेंटली बन जाए तो कैसा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मेहमान घर में आ रहे होते हैं और हमें लगता है हे प्रभु अचानक से इतनी जल्दी कैसे खाना बना लें। तो बस इन्हीं सभी मुश्किलों का लेकर आई हूँ मैं आपके लिए आज सोल्यूशन। एक हल क्या, वो ये कि एक इंस्टेंट ग्रेवी मिक्स बना के रख लिया जाए और जब भी आपको ऐसी ज़रूरत पड़े बस ग्रेवी मिक्स निकाला, उसमें पानी डाला, उसे उबाला और लीजिए ग्रेवी तैयार। अब आप चाहें तो इसमें सब्जियां, चाहें तो पनीर, चिकन, मटन, जो डालना है डालिए और बना लीजिए एक बढ़िया सी डिश। है ना बढ़िया ख्याल। तो क्या कहते हैं बनाया जाए आज एक इंस्टेंट ग्रेवी मिक्स। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए बनाते हैं हम अपना इंस्टेंट ग्रेवी मिक्स और एक नहीं दो नहीं तीन तरीके के इंस्टेंट ग्रेवी मिक्स बनाएंगे। कैसे चलिए शुरू करते हैं पहले तो। और इसके लिए सबसे पहले यहां पर मैं कुछ नट्स ले रही हूं। अपने पैन में मैं लूंगी काजू और इसी के साथ साथ ये मगज भी, मेलन सीड्स, चाहे तो खरबूजे के या तो तरबूज के बीज। तो ये काजू और मगज को हमको ड्राई रोस्ट कर लेना है कि ये हल्का सा गोल्डन कलर ले ले। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा, ये खराब नहीं होगा, आपकी जो ग्रेवी मिक्स है लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। देखिए मेलन सीड्स ने चटकना शुरू कर दिया है और ये हल्का सा गोल्डन कलर भी लेने लग गया है। अब गैस को कर देंगे हम बंद और इसे निकाल लेंगे यहाँ पर एक प्लेट में। और अब ये काजू और मगज़ को मुझे अच्छे से ठंडे हो जाने देना है। ध्यान रखिएगा इसमें हल्की सी भी गर्मी नहीं रह जानी चाहिए। मेरा सजेशन तो ये है रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाएं आप इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दीजिएगा फॉर अबाउट 10 to 15 minutes ताकि ये चिल हो जाएं। ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप ठंडे काजू और मगज को पीसेंगे तो वो अपना तेल नहीं छोड़ेगा। अगर अभी आपने गर्मा गर्म में इसको पीस दिया ना तो एकदम पेस्ट बन जाएगा, तेल छोड़ देगा इसलिए। और अब अपने पैन में मैं ले रही हूँ एक चम्मच तेल। तेल को हो जाने देते हैं अच्छे से गर्म और तब डालेंगे उसमें अपने होल स्पाइसेस। एक तेज पत्ता जिसे मैं तोड़ ले रही हूँ, इसी के साथ साथ दो छोटी इलायची जिन्हें मैं हल्का सा खोल देती हूँ, 4 से 5 लौंग, मोटी इलायची को भी खोल करके ऐड करेंगे, इसी के साथ आधा फूल जावित्री का, एक टुकड़ा दालचीनी का और कुछ काली मिर्च के दाने। अब इनको मिक्स कर लीजिए और अच्छे से स्प्लटर हो जाने दीजिए। मसाले जब सारे चटक जाएंगे गैस को कर देंगे बंद और अब इसको भी ठंडा हो जाने देंगे। अपना इंस्टेंट ग्रेवी मिक्स बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और जिंजर पाउडर भी। जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ। हाँ, गार्लिक पाउडर अनियन पाउडर अगर ना मिला तो क्या किया जाए, डोंट वरी, उसका भी आपको एक बहुत ही सरल सा उपाय बताती हूँ। तो पहले तो ले ले रही हूँ पैन में एक छोटा चम्मच तेल और अब मीडियम हॉट ऑयल में, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए ये तेल, बस हल्का सा गर्म हुआ तो ऐड कर देंगे हम इसमें एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन और एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक भी। और अब इनको धीमी आंच पे हम भून लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते और अंदर से एकदम ड्राई नहीं हो जाते। यानी कि अगर आप इसको अपने हाथ में इस तरह से पकड़ के मस लें तो ये पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए। तो इस काम में आपको लग जाएंगे आराम से 7 से 8 मिनट, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत तसल्ली से धीमी आंच पे कीजिएगा ये काम। तेज़ आंच पे किया तो ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर इसके मॉइस्चर रह जाएगा और ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। देखिए अब लहसुन और अदरक ने गोल्डन होना शुरू कर दिया है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो अदरक लहसुन है ना वो बराबर साइज से कटा हो। अगर कोई लहसुन बहुत बड़ा कटा हुआ है, कोई बहुत महीन कटा हुआ है तो क्या होगा, जो बड़ा वाला है वो कुक नहीं हो पाएगा, तब तक छोटा वाला जो है वो जल जाएगा।
और अदरक के लिए तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसको कद्दूकस कर लें या ग्रेट कर लें। ऐसा करने से यू विल बी इंश्योर्ड कि आपका जो अदरक है वो एकदम फाइन है। तो थोड़ी देर से मैं और सुखाऊंगी, इसी तरह से पकाऊंगी और उसके बाद गैस बंद करके ना मैं इसे इसी पैन में छोड़ दूंगी ताकि इस पैन की जितनी हल्की हल्की वाली जो गर्मी बचेगी उसमें ये प्रॉपरली ड्राई आउट हो जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। अब ये काजू और मगज़ जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा, तो मैं इसे अपने जार में निकाल लेती हूँ और इसका एक पाउडर बना लेते हैं। तो ये रेडी हो गया हमारा काजू और मगज़ का पाउडर। आप नोटिस करेंगे क्योंकि मैंने इसे चिल कर दिया था, ये बिल्कुल घी तेल नहीं छोड़ा है, ये देखिए इट हैज़ कम आउट सो परफेक्ट। ठीक है, तो ये छोटी सी टिप याद रखिएगा कि जब भी आपको किसी भी नट का पाउडर बनाना हो तो आप उसे फ्रीज़र में रख दीजिए सिर्फ 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि उसका पाउडर अच्छा बनेगा और वो तेल नहीं छोड़ेगा, इट वोंट टर्न इनटू अ पेस्ट। दिस डन, आगे बढ़ते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपना ग्रेवी मिक्स बनाना। तो पहले तो ले लिया मैंने ये पाउडर्ड नट्स, इसके साथ इसमें ऐड करूंगी मैं 1/4 कप मिल्क पाउडर। इसको एक बहुत अच्छा सा डेयरी फ्लेवर देने के लिए, जैसे हम अपने खाने में यूजुअली क्रीम डालते हैं ना ग्रेवीज में, तो ये क्रीम को रिप्लेस करेगा। इसी के साथ 1 टीस्पून मैं ऐड करूंगी इसमें कॉर्नफ्लावर, हमारी ग्रेवीज को एक थिकनेस देने के लिए। और अब कुछ मसाले ऐड किए जाएं। तो सबसे पहले तो ऐड करेंगे नमक और ऐड करेंगे चिली पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी, गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी चीनी। इन सबको कर लीजिए मिक्स। मेरे पास है यहाँ पर गार्लिक पाउडर, ये गार्लिक पाउडर मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, अनियन पाउडर यानी कि प्याज का पाउडर और थोड़ा सा सौंठ यानी कि जिंजर पाउडर भी। अब ये देखिए अदरक और लहसुन जो था एकदम सूख चुका है, देखिए कैन यू हियर दैट। इसे ले लेते हैं हम अपने मिक्सी जार में और इसके साथ ये सारे मसालों को, मिल्क पाउडर, हमारा काजू मेलन का पेस्ट, इन सबको वापस डाल देती हूँ मैं इसमें और बस कुछ सेकंड्स के लिए इसको मैं फिर से मिक्सी में चला दूंगी यानी कि पल्स कर दूंगी। ऐसा किस लिए? ताकि ये सारे के सारे जो मसाले, ऑल माई इन्ग्रीडियंट्स बेसिकली, दे शुड कम टुगेदर, सब अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए ये एक बेसिक व्हाइट ग्रेवी मिक्स पाउडर मेरे पास रेडी है। इसमें बस एक चीज़ और मिलानी रह गई है और वो है ये स्पाइसेस जिन्हें हमने तेल में ऑलरेडी भून करके रख लिया है। और इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी। तो अब ये मेरा बेसिक व्हाइट ग्रेवी मिक्स हो गया रेडी, जिसको आप मलाई कोफ्ते के लिए, पनीर के लिए, नवरत्न कोरमा के लिए, ऐसी रेसिपीज़ के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर मुझे इसकी रेड ग्रेवी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप इसी वाइट ग्रेवी मिक्स में ऐड कर दीजिएगा टोमेटो प्योरे, पानी के साथ साथ थोड़ी सी टोमेटो प्योरी, और उसे बॉईल कर दीजिएगा तो वो रेड मिक्स हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें टोमेटो पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये टोमेटो पाउडर बनाना ये भी सिखाऊंगी आपको किसी दिन ज़रूर। वैसे ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, अगर अवेलेबल ना हो तो वो जो 10 रुपीज़ वाला एक टोमेटो सूप का पाउडर आता है ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वाइट ग्रेवी मिक्स मैं यहाँ भर के रख लेती हूँ फॉर माई वाइट ग्रेवी। इसे येलो ग्रेवी बनानी हो तो बस इसमें हल्दी मिला देंगे। और अब रेड ग्रेवी मिक्स पाउडर बनाने के लिए क्या करूंगी? मैं इसमें ऐड करूंगी टमेटो पाउडर और उसी के साथ साथ कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी। तो ये टमेटो पाउडर ऐड करते हैं हम और इसके साथ ऐड कर रही हूँ इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो जैसे मैंने आपको बताया, बहुत आसान है टमेटो पाउडर को रिप्लेस करना, सिंपली जब आप इस ग्रेवी को कुक करने जाएं तो उसे सब्स्टिट्यूट कर दें टोमेटो प्योरे के साथ। पानी, टोमेटो प्योरी और आपका इंस्टेंट ग्रेवी मिक्स पाउडर
और हो जाएगी तैयार आपकी रेड ग्रेवी भी। इसे भी एक बोल में भर के रख लिया जाए। तो व्हाइट ग्रेवी मिक्स, रेड ग्रेवी मिक्स, ब्राउन ग्रेवी मिक्स, उसके लिए यहाँ पर मेरे पास ये ब्राउन अनियन जो एकदम क्रिस्प हो चुका है, इसे मैं पहले मिक्सी में पीस लेती हूँ। अब ये ब्राउन अनियन का पाउडर भी बोल में निकाल लेते हैं और उसमें ये बाकी ग्रेवी पाउडर मिक्स कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, चाहें तो एक बार फिर से आप इसे मिक्सी में डालकर चला सकते हैं। ऐसा करने से इसमें मिक्सिंग जो है वो इवन हो जाएगी। इसे भी अपने जार में भर के रख लीजिए। लीजिए, हो गए तैयार हमारे 3 ग्रेवी मिक्स पाउडर्स। अगर आपको रेड ब्राउन दोनों ग्रेवी चाहिए, यानी भुना मसाला, थोड़ा ये लीजिए, थोड़ा ये लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए। विश्वास नहीं होता, चलिए एक ग्रेवी बनाकर दिखाती हूँ आपको। तो ये ग्रेवी मिक्स बनाने के लिए मैंने मिक्सी में लिया है वापस से अपना पाउडर और पानी डाल के मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि इसकी जो ब्लेंडिंग है वो एकदम स्मूथ हो जाए। और ये जो ग्रेवी मिक्स मैंने ब्लेंड कर लिया है, इसे निकाल लेती हूँ अपने पैन में। ऐड करेंगे इसमें वेजिटेबल्स, एनी वेजिटेबल्स दैट यू वांट, जो भी आपको अच्छी लगे। जैसे मैं डाल रही हूँ इसमें बीन्स, गाजर और मटर, और इन्हें कुक कर लेते हैं जब तक कि ये एक बॉयल पे नहीं आ जाती। अच्छा, क्योंकि काजू और साथ ही साथ मगज ये सब ऑलरेडी कुक्ड है, मेरा अदरक, लहसुन, प्याज सब कुछ कुक्ड है, तो मुझे क्या करना है, बस उनको गीला करना है, उनको मॉइस्ट करना है और सिर्फ उतनी देर के लिए इन वेजिटेबल्स को कुक करना है जब तक मेरी वेजिटेबल्स कुक नहीं हो जाती। अगर आप फ्रोजन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये काम हो जाएगा केवल 3 से 4 मिनट में। तो ये देखिए कितनी फर्स्ट क्लास सी ग्रेवी हो गई रेडी, और इतनी अच्छी खुशबू है कि मैं आपको क्या बताऊं, आहा, बहुत ही बेहतरीन खुशबू है इसकी। तो वंस अगेन, ये एक आइडियल प्री मिक्स है उन लोगों के लिए जो वर्किंग हैं, या अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं काम करते हैं और उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता खाना बनाने के लिए, तो सोचिए अगर आपने उनको ऐसे प्री मिक्सेस बना के दे दिए, लाइफ उनकी कितनी आसान हो जाएगी। आप अपने लिए भी तो बना के रख सकते हैं ना ऐसे ही प्री मिक्सेस, ताकि जब ज़रूरत पड़े बस प्री मिक्स निकाला, ब्राउन ग्रेवी, वाइट ग्रेवी, रेड ग्रेवी, जो चाहिए तुरंत बना ली, जैसे मैंने आज बनाई है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड लेट मी नो कैसी लगी आपको ये रेसिपीज। अच्छा, पहले ये बताइए कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई, अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज, सोचिए ग्रेवी के भी प्रीमिक्सेस, ये आपके साथ में शेयर कर सकूंगी। और आप तो जानते ही हैं ना कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की ये इंस्टेंट ग्रेवी प्रीमिक्सेस की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी।